फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने दो अंडे लिए हैं, उनको थोड़ा सा फेंट लेंगे और उसके बाद उसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क, 2 चम्मच डाले हैं मैंने यहाँ पे चीनी के और पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा डाला है वनीला एसेंस और साथ ही इसमें डाल देंगे दालचीनी पाउडर। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, फोक की हेल्प से अंडों को अच्छे से फेंट लें ताकि शुगर भी इसमें अच्छे से डिजोल्व हो जाए। और अब नॉनस्टिक तवे पे डालेंगे थोड़ा सा बटर और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल और इसे पूरे तवे पे बहुत अच्छे से फैला दें और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे टोस्ट। तो एक स्लाइस हम ब्रेड का लेंगे और उसे हम एग मिक्सचर में डालेंगे और पलट पलट के सब तरफ हम ये मिक्सचर लगा देंगे और उसके बाद रखेंगे इसको तवे पे, सेकते जाएंगे दोनों साइड से और बहुत ही जल्दी बनने वाले हमारे फ्रेंच टोस्ट भी रेडी हो जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट बनाएं ताकि आप कुछ डिफरेंट खाएं। दिन की शुरुआत अगर टेस्टी खाने से हो तो मूड भी अच्छा रहता है। फ्रेंच टोस्ट को अगर आप हनी के साथ खाएं तो और भी टेस्टी लगता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। Thank you.